आपका दिमाग डाइवर्ट होता है यंग एज में, केवल आपके पास 7 सेकंड का टाइम रहता है। आपका मन किया मोबाइल, देखिए दिमाग आपके दो हिस्सा, एक आपको सही बताता है एक गड़बड़ बताता है, लेकिन गड़बड़ वाला हावी हो जाता है, आप उसको हावी मत होने दीजिए, 7 सेकंड के अंदर हावी हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको कहेगा अरे थोड़ा पढ़ते हैं, ये आपका अच्छा दिमाग, और एक कहेगा थोड़ा सा और घसका के स्क्रॉल करके देख लेते हैं, बस घसका देते हैं आप, समझा गया? आपके पास कितना टाइम है? नहीं, तो एक बार आपको पढ़ाई पे नहीं, एक बार आपको अपने आप से लड़ाई लड़ना है, एक जंग खुद से की जाए। बहुत कमियां निकालते हो दूसरे में, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं। तो एक बार अपने आप से लड़के देखिए, आपको 2-4 दिन पढ़ाई पे नहीं ध्यान, एक बार जो आपका दिमाग कहता भाड़ में जो नहीं करेंगे, आपका मन कहता चलो बाहर चाय पीते नहीं जाएंगे, समझा गया कि नहीं? ये दुश्मन हो गया आपका दिल दिमाग। आपको कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट टू। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियाँ ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट थ्री। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और, खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट फोर लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है? जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगेगा। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी, अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूं तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो, अरे ना भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। खुद की नजर में गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ जेई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे मेरा जेई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने, क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो? अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड खेल के, तुमने कुछ अचीव नहीं किया। जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति, दिखा दे आ गया तेरे पास मौका, बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी होली, जो होने थे हो लिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे हो लिए, अब पूरा 6-लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। इस एक लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, भिखमंगों की तरह सबके हाथ ऐसे है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे
मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट डू यू एक्चुअली डिजर्व इट? इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट, अगर नहीं मिल रहा है दैट मींस यू डोंट डिजर्व इट। तो पहले तो आप डिजर्व नहीं करते, ऊपर से आप जेलस हो रहे हो,